वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजर। हाँ तो गाइस, कोई मुझे बताएगा कि इंडियन सिनेमा में चल क्या रहा है या हमारे अपकमिंग मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवियों के बारे में क्या चल रहा है। पता नहीं कैसी कैसी अपडेट निकल कर आ रही है, लेकिन जो अपडेट मैंने देखी है ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप काफी ज्यादा शॉक्ड होने वाले कि यार ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। अब ये मतलब कि गलती किसकी है, इनके मम्मी पापा की गलती है या फिर क्रिटिक्स की गलती है या फिर मूवी की टीम की गलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियाज मोस्ट एंटीसिपेटेड दो मूवी होने वाली है, कल की 2898 AD और एक पुष्पा द रूल। अब गाइस काफी शॉकिंग अपडेट निकल कर आया है पुष्पा भाऊ के बारे में, मैं सब बता रहा हूं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा जो कि नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते हैं किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, सच में ये जो अपडेट्स मैं देख रहा हूँ आजकल, ये जो सोशल मीडिया पर हो रहा, लाइक ट्विटर पर इंस्टाग्राम पे, भाई सब, मैं तो उससे काफी ज्यादा परे हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता कि एक्चुअल में बोलते क्या है। अब भाई सब, अभी कुछ ही देर में मैंने पहले ट्विटर विजिट किया तो ट्विटर पे पता नहीं एक अलग ही लोगों की आत्मकथा चल रही है। प्रिडिक्टर टाइम मशीन में बैठकर गए हुए थे और उन्होंने सारी चीज पता करके आए हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। हाँ तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा, पुष्पा द रूल 2-3 साल से वेट कर रहे हैं अल्लू अर्जुन सर के फैन, लेकिन अब कुछ और ही सीन क्रिएट हो रहा है। अब काफी जो ट्विटर पे जो है ना, इतने सब फॉलोअर्स लेके बैठे हुए, वो ये बोल रहे हैं कि कल की 2898 AD मूवी के कारण पुष्पा भाव पोस्टपोन होने वाले। भाई ये क्या था भाई, भाई कहना क्या चाहते हो? नहीं, मेरे को, मुझे एक बात बताओ, कहना क्या चाहते हो? कल तक अपने को, 2-3 दिन पहले अपने को ये पता था कि कल की 2898 AD पोस्टपोन होने वाली है, उसी के बाद एक बज स्टार्ट हुआ कि पुष्पा वार से कल की 2898 AD होने वाला। मतलब कि क्या है ये, क्या है, मतलब कि क्या सीन क्रिएट करना चाहते हो? क्या फैन को क्या मार मूर के चैन लोगे क्या? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो गाइस, अब ऐसे काफी प्रोटल बोल रहे हैं जिनकी मतलब कि ना आल है ना बाल है, फिल्मी मुंह में झाल है, तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि कल की 2898 AD को जो रिलीज किया जाएगा वो 15th of August को किया जाएगा, यानी कि मेरे पापा के बर्थडे पर किया जाएगा, और उसके चलते भाई सब पुष्पा भाव यानी कि पुष्पा द रूल को भाई सब थोड़े समय के लिए मतलब कि अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, यानी कि पोस्टपोन होना पड़ेगा। भाई मैं कब से बोलता हुआ आ रहा हूं कि पुष्पा द रूल मेरे पापा के बर्थडे पे आएगी, 15 अगस्त को आएगी, तो भाई सब सुकुमारन सर को मेरे इन बातों की लाज तो रखनी पड़ेगी यार। सच में एक्चुअल में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब गाइस होता क्या है एक्चुअल में, इन सारी अपडेट्स को देखने के बाद काफी यूट्यूबर वीडियो बना देते हैं तो वहां पर फैन वॉर स्टार्ट हो जाता है, बोलते हमारे एक्टर को टारगेट किया गया, ये हमारे एक्टर को टारगेट किया गया। कल तक ये सीन क्रिएट हो रहा था, मतलब कि अगर देखा जाए ना तो अभी कल की मूवी का काफी सारा काम बाकी है। ओके, शूट भी मोस्टली खत्म हो गया है, चल रहा है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन गाइज अभी देखा जाए ना तो मेरे हिसाब से कल की मूवी को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बिकॉज ऑफ इसका प्रमोशन बाकी है, थोड़ा सा पैचअप वर्क बाकी है, फिर ट्रेलर भी आना है, टीजर भी आना है, काफी सारे सॉन्ग्स आने हैं, मूवी की टीम को एक इंट्रोडक्शन शेयर करना, मतलब कि काफी बड़े लेवल पे, हॉलीवुड लेवल पे डायरेक्टर नाग अश्विन सर को करना है। मतलब कि जो 15 अगस्त को आने वाले थे भाई सब, वो 15 अगस्त से जाने वाले हैं और कल की 2898 जो 9th of May को आने वाली थी वो 15 अगस्त पे आने वाले हैं। और भाई क्या हो रहा है, बचा लेना रे प्रभु, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ तो गाइस, जो कल की मूवी के बारे में अपडेट चाह रहे थे तो मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ। तो गाइस अभी भी ऐसा लेटेस्ट बज निकल कर आ रहा है कि ऑफिशियल टीजर कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, होने वाला है, कब होगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मतलब कि काफी बड़े बड़े सोर्सेस बोल रहे हैं, वो ये जो क्लैश फ्लैश की बातें और ये पोस्टपोन पुष्पा द रूल की पोस्टपोन की बातें, ये छोटे टट्टी छाप क्रिटिक्स बोल रहे हैं। लेकिन भाई साहब कल की 2898 AD के लेटेस्ट बस में यही बोल रहे बड़े बड़े क्रिटिक्स के, भाई साहब ऑफिशियल टीजर का एनी टाइम ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है, क्या है क्या नहीं है आप लोग हमें बता दें। और वैसे तो गाइस मैं तो उम्मीद छोड़ चुका हूँ क्योंकि यार कल की 2898 AD के लिए मैं काफी लंबे समय से वेट कर रहा था, वहीं पुष्पा द रूल का भाई सब कब से 2021 के दिसंबर मंथ से इंतजार कर रहे हैं मैं, आप लोग, हम सब। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे ऐसा होगा क्योंकि यार भाई साहब यह पिक्चर ही नहीं है, दिल में एक जगह बना के गई है, ऐसा लगता है कि पुष्पा भाव अपने घर में रहते हैं, उनकी ये देखो बनियानी है और ये इनकी वो तो तौलिया टंगी हुई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है।
वैसे गाइज आप लोग हमें बताइएगा, पुष्पा द रूल के फैन बताइएगा, अल्लू अर्जुन सर के फैन बताइएगा, वही कल की मूवी के फैन और प्रभास अन्ना सर के फैन बताइएगा कि क्या लगता है इसके बारे में, ये क्या लगता है ये टट्टी के छींटे जैसे क्रिटिक्स के बारे में जो कि बोल रहे हैं कि पुष्पा पोस्टपोन होगी और कल की मतलब कि यार रिलीज होने वाली है। अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं कर लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं कर तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।